सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रियांश, आप लोग देख रहे हो प्रियांश गैराज। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग आपके लिए लेके आ चुके थे इंडिया की फेवरेट द कॉम्पैक्ट एसयूवी कार, जो लोग मोस्ट डिमांडिंग कार आप जिसे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं इस गाड़ी की। तो आज कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा के बारे में। आज कंप्लीट डिटेल में आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, इसका इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, इसकी स्पेसिफिकेशन, सभी कुछ आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके कलर ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको फैंटम ब्लैक, पोलर व्हाइट, टाइफून सिल्वर, रेड मलबरी, टाइटन ग्रे एंड डेनिम ब्लू, ऐसे छह कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस की बात करी जाए, जो कि आपको एक्स शोरूम देखने को मिलती है, वो मिलती है 10,44,000 से लेकर 18,24,000 तक आपको यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर वेरियंट्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको EXS, S+, SX, एग्जीक्यूटिव, SX एंड SX ऑप्शन, इस तरह के आपको यहाँ पर वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको मैनुअल, DCT, IVT एंड AMT, ऐसे चार ट्रांसमिशन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर वारंटी की बात करें, तो आपको यहाँ पर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अभी आप इसका SX ऑप्शनल IVT वेरियंट देख रहे हो। बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर की, उसके बाद चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर पे। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, ऐसी कुछ मिलती है आपको इसकी पूरी ग्रिल, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आपको सिल्वर फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। नीचे तरफ आपको बंपर देखने को मिल जाएगा, बॉडी ग्लोब बंपर प्लस सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको ट्विन हुक का हॉर्न देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी के हेडलाइट विंडो की बात की, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर ऑफर किया है लो बीम और हाई बीम के लिए। ऊपर तरफ आपको डायल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको एल शेप में डायल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको फॉग लैंप एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इसी में देखने को मिल जाती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपकी खराब रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी की ऊपर तरफ। यहाँ पर आपको बड़ी सी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको 2 वाइपर की बेसमेंट देखने को मिल जाती है। विंडशील्ड की बात करें, तो वो काफ़ी बड़ी दी गई है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। उसके ऊपर रूफ की बात करें, तो यहाँ पर आपको पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेल्स और पीछे की तरफ आपको शार्प एंड एंटीना के ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसे भी लगते हैं इसके फ्रंट लुक्स प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल तरफ, आपको दिखाते हैं गाड़ी के साइड लुक्स। तो ऐसे भी लगती है साइड से प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हो। गाड़ी के टायर्स की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको 17 इंच के डायमंड कट व्हील ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन का ट्रैवल कुछ इतना देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। अगर यहाँ पर टायर सेक्शन की बात की जाए, तो आपको 215/60 R17 के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि साइड लुक से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं और इन्हेंस लगते हैं देखने में। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। गाड़ी की क्लैडिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको इतनी चौड़ी सी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर की। यहाँ पर आपको ऑटो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। गाड़ी के ORVMs की बात की जाए, तो आपको ऐसे कुछ ORVMs देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं। आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में ही देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगती है साइड से। यहाँ पर आप पूरी इसकी क्लैडिंग और साइड लुक देख पा रहे होंगे। चलते हैं गाड़ी के बैक लुक्स की तरफ, आपको दिखाते हैं इसकी बैक प्रोफाइल प्रॉपर। तो ऐसी भी लगती है इसकी बैक प्रोफाइल, आप यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। सेंटर में आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको क्रेटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बैक कैमरा की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको SX की बैजिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को अगर मैं प्रॉपर बैठ के दिखाऊँ, तो ऐसी भी लगती है इसके बैक से, नीचे पूरी आप बॉडी देख सकते हो। यहाँ पर आपको वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर तरफ आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है स्पॉइलर, यहाँ पर मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट, ऊपर की तरफ आपको मिलता है शार्फ एंड एंटीना। तो ये थी इसकी कुछ बैक लुक्स। अगर गाड़ी के डायमेंशंस की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 4300 mm की यहाँ पर लेंथ देखने को मिल जाती है। 1790 mm की आपको यहाँ पर विड्थ देखने को मिल जाती है और 1635 mm की आपको हाइट देखने को मिल जाती है। अब खोलते हैं इसके बूट को, आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो उसको बूट को करते हैं ओपन। यहाँ पर आपको 433 L का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है विद पार्सल ट्रे के साथ। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिलता है स्पेस। यहाँ पर आपको मिलती है आप लाइट, यहाँ पर आपको मिलता है हैंगिंग के लिए कुछ भी आप रख सकते हो। पार्सल ट्रे भी आपको ऑफर की जा रही है। स्पेयर व्हील की बात की जाए, तो नीचे मिलता है आपको स्पेयर व्हील स्पेस, आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। आप यहाँ पर अपना आराम से सामान रख के कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो। और इसका जो स्पॉइलर है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रोम ट्रीटमेंट के साथ डोर हैंडल्स, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। इसको करते हैं ओपन, आपको दिखाते हैं इसके बैक डोर्स। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्यूल टोन वाले बैक डोर्स। यहाँ पर आपको मिलता है सन प्रोटेक्टर, ऐसे कुछ मिलते हैं इसके डोर्स। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक अनलॉक एंड डोर ओपनर और विंडो, थोड़ी स्पेस। यहाँ पर मिलता है बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। अंदर सीटिंग कम्फर्ट की बात की जाए, तो ऐसे मिलता है आपको सीट, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल नहीं है। ये ऊपर से इसमें कुशन लगा हुआ है, जो कि सॉफ्ट है, जिससे आपको लॉन्ग रूट में काफ़ी मदद मिलने वाली है। यहाँ पर कुशन मिल जाता है, ऐसी भी मिलती है आपको सीट्स। यहाँ पर मिलता है इतना कुछ स्पेस। गाड़ी के अंदर प्रॉपर बैठ के आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कितना कुछ आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको मिल जाते हैं 2 AC vents, उसी के नीचे आपको USB सॉकेट देखने को मिल जाता है। बगल में आपको फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है।
ऐसे को लगते हैं इसके बगल वाले डोर्स। यहाँ पर ऊपर तरफ मिलते हैं आपको ग्रैब हैंडल्स विथ लाइट के साथ, यहाँ पर मिल जाता है आपको ग्रैब हैंडल्स पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है, इसको आप टच करेंगे यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर बीच में मिलता है आपको आर्म रेस्ट, इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, इसको जरा ओपन करते हैं। दो कप होल्डर के साथ आराम से अपना हाथ रख सकते हो और यहाँ पर अपना अपना कप भी रख सकते हो। गाड़ी के बैक से अगर मैं आपको फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो ऐसा भी लगता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड आप पूरा देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी चलेंगे आगे, प्रॉपर आपको सारे फीचर्स बताएंगे इसके। तो निकलते हैं गाड़ी के बाहर, आपको प्रॉपर चलते हैं ड्राइवर सीटिंग की तरफ, आपको दिखाते हैं इसके ड्राइवर सीटिंग डोर्स एंड अंदर का पूरा इंटीरियर। तो यहाँ पर मिलती है आपको कीलेस एंट्री, यहाँ पर आप देखेंगे आप प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। तो इसको मैं देख सकते हैं अभी गाड़ी यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक अनलॉक हो चुकी है। तो ऐसे भी लगते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर्स ड्यूल टोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक एंड अनलॉक, डोर ओपनर, आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ओआरबीएम एंड पावर विंडो के। इतना कुछ यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, तो ऐसे भी लगती है इसकी स्कफ प्लेट। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल ओपनर, दो पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं आईवीटी के। यहाँ पर आपको बोनट ओपनर, यहाँ पर आपको लाइट ट्रेवलर। फ्रंट सीटिंग की बात करें तो ऐसे भी मिलती है आपको सीट्स, दो हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो मैं आपको प्रॉपर बैठ के भी बताऊंगा इसका सीटिंग कंफर्ट। यहाँ पर मिलता है आपको रिक्लाइनर और हाइट एडजस्ट, दोनों ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। फ्रंट डैशबोर्ड आपको मैं प्रॉपर दिखाऊँ तो ऐसे को लगता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड डुअल टोन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा लगता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड और पूरा इंटीरियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर डुअल टोन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। सामने की विजिबिलिटी की बात किया तो ऐसी भी मिलती है आपको विजिबिलिटी, काफ़ी बढ़िया सी आपको विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। गाड़ी की बात करी जाए तो अभी आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया लगती है इसकी की देखने में। ऐसी कुछ मिलती है आपको इसमें स्मार्ट की, जिसमें कि आपको लॉक अनलॉक यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे गाड़ी की स्टार्ट भी हो जाएगी। बोट ओपनर, पीछे आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिलती है आपको स्मार्ट की, यहाँ पर मिलता है आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसको आप प्रेस करेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा। इसको मैं प्रेस करता हूँ आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको मिलता है फुल्ली अनलॉक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको MID दी गई है छोटी, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ट्रिप वन ट्रिप टू टायर प्रेशर सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप स्टीयरिंग से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसको कंट्रोल करके। यहाँ पर आपको एवरेज, ट्रिप वन ट्रिप टू सभी कुछ यहाँ पर आपको दिखा देगा, टायर प्रेशर सभी कुछ यहाँ पर आपको दिखाता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो ऐसी कुछ मिलती है आपको स्टीयरिंग, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। यहाँ पर आपको बीच में हुंडई का लोगो, यहाँ पर आपको मीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के सारे कंट्रोल, पीछे की तरफ आपको दो पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल, यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि मैनुअल एंड टचेबल दोनों है। यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाता है, बीच में आपको हेडलाइट बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे एसी के पैनल्स एंड एसी कंट्रोल सारा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट एंड यूएसबी सॉकेट देखने को मिल जाता है और किनारे की तरफ आपको 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। नीचे तो आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है मोबाइल के लिए। यहाँ पर आपको IVT का लीवर, यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल पार्किंग हैंड ब्रेक्स, यहाँ पर ऑटो होल्ड, यहाँ पर 360 व्यू, यहाँ पर आपको सारे ड्राइव मोड्स, यहाँ पर आपको दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट में थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट प्लस एयर प्योरीफायर दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। आगे पूरा डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो ऐसा भी लगता है उसका पूरा डैशबोर्ड बढ़िया सा। अगर इसे ग्लव बॉक्स की बात किया तो ऐसा कुछ मिलता है आपको ग्लव बॉक्स, फुल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर की बात किया तो यहाँ पर आपको मिलता है सनग्लास होल्डर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको आप फोल्ड करेंगे तो मिल जाता है आपको सनग्लास होल्डर। दो रीडिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं वन टच एंड साइड लाइट्स आप एक बटन से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप टच करेंगे आपकी साइड लाइट्स ओपन हो जाएंगी, जो कि आप प्रॉपर देख सकते हो साइड लाइट्स आपकी ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पर आप इसको बंद भी कर सकते हो यहीं से। साइड में मिलते हैं आपको ग्रैब हैंडल्स, उसी के बदल होंगे आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ये मिलता है आपको ड्राइवर साइड। अगर इस गाड़ी की रूफ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मिलती है पैरानोमिक सनरूफ, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। अब इसकी पूरी सनरूफ देख सकते हो। अगर इसके स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मेरे जैसे तीन बंदे आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी सनरूफ बंद भी हो जाएगी, पहले आपकी सनरूफ बंद होती है उसके बाद नीचे से रूफ बंद होती है, आप यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। अभी इसकी पूरी सनरूफ यहाँ पे बंद हो चुकी है। अगर इसके टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आर्कमीज़ के 8 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिनका साउंड सिस्टम और साउंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में और सुनने में। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसके साथ आपको इसमें ब्लू लिंक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको इसका ब्लू लिंक दिखाऊँ तो यहाँ पर टच करते हैं आपको दिखाते हैं इसका ब्लू लिंक, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ इसमें मिलता है आपको
ऑटोमेटिक IRBMs, SOS एंड ब्लू लिंक का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें एक फीचर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, जो आपका एयर प्योरीफायर है आप उसको यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ सामने देख सकते हो, आपका जो यहाँ पर एयर प्योरीफायर है जिसको आप यहाँ पे पीछे वाले लोग आराम से कर सकते हैं, और आपको अगर करना है ड्राइवर साइड की तरफ बैठ के, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी आप यहाँ पे आराम से कंट्रोल कर सकते हो उसका। तो ऐसी कुछ थी Hyundai Creta SX ऑप्शन अंदर से। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको तीन इंजन ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला इंजन है 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन, जो कि 115 bhp और 143 Nm का टॉर्क निकाल देता है। अगर इसके दूसरे इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 1.4 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 140 bhp और 242 Nm का टॉर्क निकालता है। इसका जो तीसरा डीजल इंजन है वो मिलता है आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जो कि 115 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकाल देगा। अगर यहाँ पर एवरेज की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको पेट्रोल में जो एवरेज देखने को मिलती है वो मिलती है 16 की, अगर इसके डीजल की एवरेज की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलती है 21 तक की माइलेज देखने को मिल जाती है आराम से। सामने आप यहाँ पे दोनों गाड़ी को देख सकते हो, एक मिलती है आपको व्हाइट कलर पे, एक मिलती है आपको ब्लैक कलर पे। दोनों ही गाड़ी अपने से मुड़ी काफ़ी अमेजिंग कार्स हैं। अगर यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात करिए तो आपको मिलता है ABS with DVD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर वार्निंग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, और इसी तरह से आपको कई सारे सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल टैंक ओपनर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको मिलती है 50 लीटर तक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको लॉन्ग रूट में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है देखने में। तो ये थी Hyundai Creta अपने सेगमेंट की काफ़ी बेहतरीन कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, ताकि जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं प्रियंश, तो आपसे अगले तक गुड बाय।